So we need to understand the revocation of an offer and acceptance. रेवोकेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑफर का या एक्सेप्टेंस का कैंसिल हो जाना या अनल्ड हो जाना। दो तो छोटी सी एग्जांपल्स हम करते हैं, उसके बाद वील मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऑफर की कि आज एक ऑफर करता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि 30 मार्च 2021 तक वैलिड है। नाउ ऑफर मैंने की एंड मैंने उसमें एक टाइम मेंशन कर दिया, 30 मार्च 2021। अब 30 मार्च 2021 के बाद ये ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने ऑफर की और 30 मार्च तक वो ऑफर अवेलेबल है, बट लेट्स से 28 मार्च को मैं खुद ही उसको विड्रॉ कर लेता हूं, रिवोक कर देता हूं, तो तब भी ऑफर जो है वो एक्चुअली यही खत्म हो जाएगी। देर आर मल्टीपल अदर वेज थ्रू विच द ऑफर कैन बी लैप्स्ड, जिसका मतलब है कि ऑफर खत्म हो सकती है। सो मेनली हमने ये देखना है कि एक्सेप्टेंस एंड ऑफर जो है वो किस तरीके से खत्म होती है एंड किन किन चीजों की वजह से वो अदरवाइज अफेक्ट होती है। सो फर्स्ट इज द रेवोकेशन ऑफ द ऑफर। रेवोकेशन का मतलब है रिवोक कर देना, रिवोक का मतलब है कि इसको खत्म कर देना कंप्लीटली, जिस तरह हमने अभी बात की थी। एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई ऑफर बंदा करता है और वो 30 मार्च तक वैलिड है, मैं उसको 28 मार्च को ही रिवोक कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। सो अब ये ऑफर वैलिड नहीं रही, दिस ऑफर हैज बीन कैंसल्ड, रिवोक्ड, तो ये लैप्स कर गई है, खत्म हो गई है। पहला तो ये तरीका हो सकता है। देन लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी ऑफर खत्म हो सकती है। जैसे अभी हमने बात की थी कि एन ऑफर विल कम टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और विद इन अ रीजनेबल टाइम वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर तो टाइम स्पेसिफाइड है 30 मार्च को खत्म हो जाएगी, तो 30 मार्च के बाद दिस ऑफर इज नो मोर वैलिड, इट इज फिनिश्ड। जहां टाइम मेंशन नहीं है, वहां रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको एक्सेप्ट करनी होती है। नाउ रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर एंड द सर्कमस्टेंसेस। रीजनेबल टाइम कैन बी 5 मिनट्स, इट कैन बी 5 मंथ्स, इट कैन बी 5 ईयर्स मे बी, बट हु इज गोइंग टू डिसाइड? द कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड द रीजनेबल टाइम। जनरली इन कॉमन सेंस वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द रीजनेबल टाइम, बट सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस इट इज डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑक्शन में जाते हैं एंड ऑक्शन ओपन होती है किसी चीज की, कि 5 रुपए की कोई चीज बिक रही है और आप उस पर रिप्लाई नहीं करते, आप कोई और रिप्लाई कर देता है, तो हो सकता है आपके लिए वो ऑफर खत्म हो जाए। इसलिए कितनी देर में आपने रिप्लाई करना है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सेंस, एंड अदरवाइज द कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड कि रीजनेबल टाइम क्या होता है। द थर्ड वे ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर इज द डेथ और इनसेनिटी ऑफ द ऑफरर। एक ऑफर हुई, अभी तक वो वैलिड है, बट समवेयर बिफोर इट गॉट एक्सेप्टेड एंड बिफोर इट वॉज लैप्स्ड, द ऑफरर इज डेड और इनसेनिटी हो जाती है उसको,
इनसेन हो जाता है, तो द ऑफर इज फिनिश्ड, इट इज नो मोर ए वैलिड ऑफर. सो एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय द डेथ और इनसेनिटी ऑफ द ऑफरर. If the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before the acceptance, obviously, अगर ऑफर की अभी जो एक्सेप्टर है उसने एक्सेप्ट नहीं की और उसको पता चल गया कि the offerer is dead, तो then this offer is no more valid for this acceptor or the actually the offeree. So ये थर्ड तरीका है. Then sometimes you do not fulfill the condition of the offer. For example, an offer comes to an end when the acceptor fails to fulfill the conditions precedent to the offer. For example, कोई ऑफर आई और उन्होंने कहा कि interested candidates should submit their application by 28th March. But आपने 28th मार्च तक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, आपने एक्चुअली इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इस ऑफर को आपने वो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन की वजह से लूज कर दिया. Then we have the counter offer. काउंटर ऑफर, मैंने आपको कुछ कहा कि मैं आपको कुछ चीज बेचना चाहता हूं 10 रुपीज की, आपने आगे काउंटर ऑफर किया कि 9 रुपीज की मैंने खरीदनी है. नाउ एक्चुअली दिस ऑफर इज नो मोर वैलिड, दिस ऑफर इज फिनिश्ड. नाउ दिस काउंटर ऑफर विल बी नोन एज द ऑफर, एंड अब इस पे ये बंदा अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा. Naturally, if you make a counter offer, the actual offer is finished. It lapses. It is no more there. Then, non-acceptance according to the requirement. जैसे हमने condition की बात की थी, इसी तरह कुछ requirement अगर उसके साथ attached है और ऑफरर जो है उसको उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो देन इट विल लैप्स. फॉर एग्जांपल ऑक्शन की एक ऑफर आती है और उसमें वो आपको कहते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 100,000 रुपीज इन द बैंक स्पेसिफाइड, और जो लोग भी ये सबमिट नहीं करते, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, उनको वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे. देन नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. इफ समबडी हैज मेड एन ऑफर टू यू कि 10 रुपीज का एक कप हमसे खरीद लें, एंड यू सेड नो एक्सप्लिसिटली या जिस तरीके से भी आपने कह दिया कि नहीं खरीदना, तो ये जो आपकी रिजेक्शन है, एक दफा जब आपने रिजेक्ट किया तो ये ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो गई. अब आप फौरन भी अगर कहते हो कि नहीं नहीं ठीक है मैं 10 रुपए का कप खरीद लेता हूं, नो दिस ऑफर इज नो मोर वैलिड. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अनदर ऑफर, अच्छा ठीक है मैं 10 रुपए का खरीदना चाह रहा हूं, एंड देन दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट. सो रिजेक्शन जो होती है दैट लीड्स टू the lapse of an offer comes to an end if it is not accepted by the offeree. An offer is said to be rejected if the offeree expressly rejects it. So rejection means offer khatam ho gaya. Then subsequent illegality or destruction of subject matter will also lapse the offer. For example, two things. First, we'll talk about destruction of subject matter. एक बंदा दूसरे को कहता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं और ऑफर कर देता है. ऑफर इज वैलिड, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई, बट हाउस जो है समहाउ वो अर्थक्वेक आया
एंड इट गॉट डैमेज्ड. जैसे ये डैमेज हुआ, डिस्टॉर्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होगी. क्यों? बिकॉज जिस सब्जेक्ट मैटर पे आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे और ऑफर की थी, दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स दिस ऑफर इज नो मोर वैलिड. तो ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया. देयर इज अ सबसिक्वेंट इलीगैलिटी कॉन्सेप्ट. इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से कोई बंदा ऑफर करता है कि वो टर्की को राइस एक्सपोर्ट करेगा सर्टन प्राइस पे, और ये ऑफर अभी तक वैलिड है, अभी कॉन्ट्रैक्ट सपोज नहीं हुआ. पाकिस्तान में अगर कोई खुदा ना खास्ता फेमाइन आया या कोई ऐसी चीज आई और पता चला कि राइस जो है वो पाकिस्तान को खुद भी बहुत ज्यादा चाहिए, अगर अभी एक्सपोर्ट किए तो फिर हमें दोबारा इंपोर्ट करने पड़ेंगे. सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट राइस की एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है. अगर बैन लग जाता है तो द सेम ऑफर विच वॉज लीगल विल बिकम इलीगल. तो दिस इज नोन एज सबसिक्वेंट इलीगैलिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. There are few more concepts that we need to understand. We've already understood that offer plus acceptance is equal to an agreement. An agreement plus legal obligation is equal to a contract. But there are some things which are known as non-offers. For example, jokes. Statements made in anger or terror, expression of opinions, statement of intentions, and social agreements. Then we have the last concept here, which is what happens in an auction. जो बोली लग रही होती है चीजों की, उसमें क्या एक्चुअली हो रहा होता है. एंड यहां हम दो तीन कॉन्सेप्ट मर्ज करके जरा समझेंगे. ऑक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि एक ऑक्शनर होता है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं. ऑक्शनर कोई चीज जब बेचना चाह रहा होता है तो लेट से उसकी मिनिमम प्राइस इज 5 रुपीज. तो वो कहता है कि 5 रुपीज की मैंने कोई चीज बेचनी है. जो ये 5 रुपीज की चीज बेचने का कहता है, दिस इज इनविटेशन टू एन ऑफर. वो इनवाइट करता है कि ये लोग ऑफर बनाए. लेट से दिस पर्सन सेज कि मैं 5 रुपए की चीज खरीदने के लिए तैयार हूं. सो 5 रुपीज ये ऑफर करता है. अभी एक्सेप्ट नहीं हुई तो दूसरा बंदा एक काउंटर ऑफर कर देता है कि मैं 6 रुपीज की चीज ये खरीदने के लिए तैयार हूं. देन यू गेट अनदर ऑफर ऑफ लेट से 7 रुपीज. Offer, counter offer, and this counter offer is this. And let's suppose this is the person who says कि मैं 12 रुपीस की ये चीज खरीदने के लिए तैयार हूं. Another counter offer. अब ऑप्शनर क्या करेगा? ऑप्शनर जब 12 रुपीस की ऑफर आएगी तो उस पर फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा 12 रुपीज 1, 12 रुपीज 2, 12 रुपीज 3. अगर 3 तक कोई भी नहीं बोला और दिस हैमर फॉल्स, फॉलिंग ऑफ दिस हैमर विल बी इक्वल टू एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन. सो 3 थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, ऑक्शनर जब कोई आवाज लगाता है इनिशियल, दैट इज नोन एज इनविटेशन टू एन ऑफर. जो यहां लोग ऑफर कर रहे होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑफर एंड देन देयर इज काउंटर ऑफर एंड देन देयर इज काउंटर ऑफर एंड देन देयर इज अ काउंटर ऑफर टू दैट. एंड व्हेन द हैमर फॉल्स, इट मींस द एक्सेप्टेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्मड. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड लैप्स ऑफ एन ऑफर।